ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड दूसरे दिन भी जारी। जी हां, ये बड़ी खबर। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और झांसी में रेड। नोएडा और दिल्ली में यथार्थ हॉस्पिटल पर छापेमारी हुई है। 15 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी के आरोप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये लगातार छापेमारियां कर रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है। शंकर आनंद इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शंकर, दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा है छापेमारी करने के लिए और क्या जानकारी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कल गुरुवार को सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके साथ 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 उत्तर प्रदेश के झांसी में भी इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और यथार्थ हॉस्पिटल, जो दिल्ली और नोएडा में काफी एक चर्चित हॉस्पिटल है, उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और जिस तरह से टैक्स चोरी करने का जो आरोप था इस मामले में, कल देर रात तक जब इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, तो सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को आज दूसरे दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से झांसी स्थित अस्पताल की अगर बात करें, वहां से भी काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले जो अस्पताल हैं, वहां से भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियों को, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, काफी संदिग्ध लेन देन, उसको खंगाला गया। इसके साथ ही यथार्थ हॉस्पिटल से जुड़े हुए कई जो निदेशक हैं और निदेशक के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और जो अनचार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनके खिलाफ भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आने वाले वक्त में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और खास तौर पर जिस तरह से इस हॉस्पिटल में कई ऐसे लोग जो काफी चर्चित नाम हैं, उसमें से कुछ राजनेताओं का भी नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके उनका भी जो एक अच्छा खासा एक फंड जो है, वो फंड इन्वेस्ट किया गया। तो इस मामले में इन तमाम जो इनपुट्स मिले थे, उस इनपुट को आगे विस्तार से खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शंकर आनंद। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।